संजीव कुमार को लोग अक्सर कंजूस कहा करते थे, लेकिन उनके लाखों रुपए पचा गए इंडस्ट्री के लोग। लेकिन संजीव कुमार की कंजूसी के उलट हनीफ जावेरी ने अपनी फेमस पुस्तक से कई नामचीन प्रोड्यूसरों और एक्टरों ने बिना हिसाब किताब से संजीव कुमार से पैसे लेने की बात स्वीकार की है। हनीफ जावेरी अपनी किताब में लिखते हैं कि संजीव कुमार के निधन के बाद बोनी कपूर उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए लौटाने गए थे, जबकि परिवार वालों को पता भी नहीं था कि बोनी कपूर ने संजीव कुमार से पैसे लिए हुए थे। संजीव कुमार के सचिव जमुना दास ने डायरी खोलकर परिवार वालों को बताया था कि संजीव कुमार ने उनके दोस्त अभिनेता और निर्माता निर्देशकों को उधार के 94,36,000 रुपए दिए हुए थे। 1985 में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, और आज के हिसाब से जोड़े तो ये पैसा 90 से 100 करोड़ के बीच में बनता है। संजीव कुमार के परिवार वालों ने लोगों से पैसा वापस हासिल करने की कोशिश की तो किसी ने भी पैसा नहीं लौटाया। परिवार वाले सुनील दत्त के पास गए कि उनकी कोशिशों से पैसा वापस मिल जाए। सुनील दत्त की इंडस्ट्री में काफी साख थी, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री के तौर तरीके बेहतर ढंग से मालूम थे, तो उन्होंने परिवार वालों से कहा कि मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन पैसा वापस आने की उम्मीद कम ही है। संजीव कुमार के परिवार वालों के पास लेनदारों की वो सूची और वो डायरी आज भी मौजूद है, लेकिन बोनी कपूर को छोड़कर सभी लोग उनका सारा पैसा डकार गए।